कौमार्य फिर से मिल जाता था द्रौपदी को, जाने ऐसी ही कुछ रोचक बातें। द्रौपदी की तुलना एक बेहद ही समझदार महिला से की जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी चुप रहने में विश्वास नहीं किया था। उनका सोचना था कि चुप रहने से न्याय नहीं मिलने वाला है। उन्होंने धृतराष्ट्र से न्याय की मांग की, साथ ही अपने पतियों की भी आलोचना की जब वे जुए में हार गए थे। उन्होंने कहा था कि उसके 5 योद्धा पति थे, लेकिन वह चीरहरण से नहीं बचा पाए थे। बता दें कि द्रौपदी विश्व की एक ऐसी महिला थी जो युवा रूप में पैदा हुई थी, इसलिए उनका बचपन नहीं था। महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म एक कुंड से हुआ था। यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी काली का रूप थी जो कौरवों का अंत करने के लिए अवतरित हुई थी। किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में रहेगा तो दूसरा भाई कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि एक पति के पास रहने के बाद द्रौपदी अग्नि स्नान करती थी, जिससे उन्हें वापस कौमार्य मिल जाता था। कहा जाता है कि एक बार जब भीम के पुत्र घटोत्कच अपने पिता के राज्य में भ्रमण करने आए थे, जहां अपनी माँ के कहे अनुसार उसने द्रौपदी का सम्मान नहीं किया था, जिससे द्रौपदी ने उसे अल्पायु का श्राप दे दिया था। साथ ही किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि द्रौपदी अपने 5 पतियों को अलग अलग रूप में दिखाई देती थी। साथ ही उन्होंने नियम बना रखा था कि जब भी कोई भाई द्रौपदी के साथ अंदर रहेगा तो दूसरा भाई अंदर नहीं आएगा। इसके लिए पदकाए द्वार पर रखी जाती है।